कि जो एक समुदाय के लोग हैं उनको जबरदस्ती दूसरे समुदाय की लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए, ये सीधा सीधा संविधान का और कानून का उल्लंघन है। और ये एक ही बात प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किस तरह से अक्सरियत को और अकलियत को इस मुल्क में लड़ाया जाए। मामले को बिगाड़ने में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। अभी पार्लियामेंट में भी जब डिबेट हो रहा था कम्युनल वायलेंस पे, तो उसमें भी जो उनका भाषण था वो बहुत ही भड़काऊ भाषण था और सब लोगों ने उसकी निंदा की, मीडिया ने भी उसकी निंदा की। और एक वरिष्ठ सांसद होकर और इस तरह की भाषा पार्लियामेंट के अंदर जब वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाहर को कौन पकड़ सकता है। बीजेपी तो सांप्रदायिकता के नाम पर सत्ता में पैदा रहना चाहती है, तो वहां सिर्फ सोच ऐसी, तो उनके नेताओं की ऐसी सोच होगी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। कोई और इससे पहले कई बार और भी नेता कह चुके हैं, तो भाजपा की जब मानसिकता है तो उनसे यही रूप निकलेगा, मैं ये समझता हूँ। योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब यूपी और झारखंड समेत कई राज्यों में लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये वीडियो जानबूझकर लव जिहाद के मामले को हवा देने के लिए जारी किया गया है। आलोक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।